प्रदेश में बिजली के बिलों में नियमितता और सरकारी आवासों में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार की ओर से पहल की जा रही है। इस पहल की शुरुआत यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा खुद अपने आवास पर प्रीपेड मीटर लगवाकर कर रहे हैं। पिछले दिनों जब ये बात सामने आई कि सरकारी महकमों पर बिजली विभाग का करोड़ों का बिल बकाया है, तभी से ये तय हो गया था कि सभी सरकारी आवासों पर अब से प्रीपेड मीटर लगेंगे और इसकी शुरुआत लखनऊ में आज से बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा करने जा रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने भी खबर दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी आपको किस तरह से सरकारी ऑफिसेज में दुरुपयोग बिजली का किया जा रहा है। और एक अच्छी पहल ये सरकार की ओर से, अब प्रीपेड मीटर सभी सरकारी आवासों पर दफ्तरों पर लगाए जाएंगे जिससे बिजली का जो दुरुपयोग है वो रोका जा सकेगा। और इसकी शुरुआत आज से खुद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा करने जा रहे हैं, अपने घर पर प्रीपेड मीटर आज वो लगवाने जा रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और एक ये नई शुरुआत, एक नई पहल, अच्छी पहल इसे हम कहेंगे, क्योंकि अक्सर हमने तस्वीरें देखी हैं, दिखाई हैं अपने दर्शकों को भी कि किस तरह से बिजली का दुरुपयोग, क्योंकि बिल नहीं देना पड़ता था और ऐसे में बिजली का धड़ल्ले से यहां पर दुरुपयोग किया जाता था। और अब इसको रोकने के लिए एक नई पहल सरकार की ओर से यहां पर की गई है। विशाल वहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता, उनका हम रुख कर लेते हैं। विशाल, बहुत अच्छी ये पहल, सराहनीय पहल, और खास बात ये कि शुरुआत ऊर्जा मंत्री अपने आप से ही, अपने घर से ही इसकी करने जा रहे हैं। देखिए फिलहाल शुरुआत इसकी हो चुकी है और ऊर्जा मंत्री जो है इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रीकांत शर्मा का जो आवास है, सरकारी आवास, वहां पर जो है ये प्रीपेड मीटर लगा दिया गया है। क्योंकि लगातार इस तरह की कवायद चल रही थी कि जो सरकारी जो आवास हैं और जो सरकारी कॉलोनीज हैं और जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर जो पोस्टपेड है मीटर्स हैं, जिसकी वजह से जो बिजली का बिल है वो भरा नहीं जाता, जिसकी वजह से तमाम जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। ऐसे में इन दिक्कतों को दूर करने के लिए फिलहाल ये कह सकते हैं कि बड़ी पहल है और इस पहल के को देखते हुए कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो प्रीपेड मीटर है वो लगाया गया है और अभी श्रीकांत शर्मा ने अपने आवास इसकी शुरुआत की है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस पूरे अगर कवायद को देखा जाए तो इससे एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से श्रीकांत शर्मा लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो सरकारी विभाग हैं और जो सरकारी जो आवास हैं वहाँ पर जो पोस्टपेड बिल आता है और इन सब चीज़ों में एक जो चीज़ निकल क्या आती है वो ये होती है कि जो लोग मकान में रहते हैं, सरकारी आवासों में रहते हैं, वो जब मकान छोड़ के बाहर जाते हैं तो उसके बाद उनको अपना बिल का बकाया जो है जमा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाता है, जिसके बाद इस तरह की कवायद को शुरू किया गया है। फिलहाल इसको देखते हुए आज इसकी शुरुआत कर दी गई है और ये खुद श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने अपने आवास से इसकी शुरुआत की है और इसके बाद जितने भी सरकारी कॉलोनीज हैं जहां पर सरकारी अधिकारी रहते हैं, एमएलए रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उन सबके घर पर प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा और इसके लिए बकायदा मीटर्स जो है वो ऑर्डर कर दिए गए हैं, प्रीपेड मीटर्स, और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। और ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो बकाया बिजली का भुगतान है वो उसकी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पोस्टपेड मीटर की वजह से तमाम जो बड़े मंत्री या विधायक या एमएलसी या जो तमाम अधिकारी जो अपना आवास छोड़ते हैं वो बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उस आवास पर लाखों रुपए का बकाया हो जाता है। तो ऐसे में फिलहाल अभी की शुरुआत कर दी गई है, प्रीपेड मीटर के जरिए तमाम जो बिजली का भुगतान है वो किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं से ऊर्जा विभाग में जो बकाये की जो चिंता रहती है वो नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, और जब इस तरह की किसी नई पहल की हम शुरुआत करते हैं, इस तरह की किसी अभियान की हम शुरुआत करते हैं तो ऐसा कहा जाता है विशाल की खुद से अपने घर से ही शुरुआत अगर की जाए तो बेहतर है, और यही एग्जाम्पल यहाँ सेट करने की कोशिश श्रीकांत शर्मा की ओर से, मैसेज क्या जाएगा सभी के बीच इससे? देखिए एक अच्छा मैसेज जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर श्रीकांत शर्मा अपने घर पर इस तरह के मीटर लगा रहे हैं आज, तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, तमाम एमएलसी हैं, उनके घरों पर भी प्रीपेड मीटर लगेगा। क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने अपने घर से इसकी शुरुआत की है तो एक मैसेज के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है कि जो बिजली का बिल का बकाया रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खासतौर से ऊर्जा विभाग लगातार घाटे में चलता है, उस घाटे को कम से कम थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो सरकारी भवन है, सरकारी
सरकारी जो आवास है वहाँ पर लाखों रुपए का भुगतान जो है वो नहीं होता है। ऐसे में जो बकाया पैसा है ये करोड़ों रुपए की धनराशि पहुँच जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि ये जो पूरा भुगतान है ये अब पहले से करना पड़ेगा। तमाम जो लोग आवासों में रह रहे हैं उनको प्रीपेड मीटर लगाना पड़ेगा, जिससे बिजली विभाग में कहीं ना कहीं से ये जो एक दिक्कत आती है कि भुगतान नहीं करते हैं, लोग चले जाते हैं, आवास खाली कर देते हैं, तो उस चिंता से फिलहाल बिजली विभाग थोड़ा दूर रहेगा और इसी पहल को उसमें देखा जा रहा है। बिल्कुल विशाल, ये साफ है, जाहिर है कि एक अच्छी पहल है ये और सराहनीय पहल है ये। असर इसका कितना पड़ेगा, बोझ कितना कम होगा बिजली विभाग का, क्योंकि कई करोड़ों रुपए बकाया भुगतान नहीं किया जाता सरकारी आवासों की ओर से जो बिजली बिल है उसका, तो बोझ कितना कम होगा यहाँ पर बिजली विभाग का। देखिए बिजली विभाग को इसका बहुत सीधे तौर पर फायदा भी होगा, क्योंकि एक बड़ा बोझ जो है वो बकाया जो बिल है उसका रहता है। ऐसे में इस बकाया बिल की जो धनराशि है ये ऊर्जा विभाग के खाते में जाती है, जो राजस्व का पूरी तरह से नुकसान करता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इससे सीधे तौर पर ऊर्जा विभाग को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ राजस्व को भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो सरकारी आवासों में मंत्री विधायक MLC ये लोग रहते हैं, ये लोग जब आवास खाली करते हैं तो इनके ऊपर लाखों रुपये का बिजली का बिल जो है बकाया रहता है। जब ये पूरा मामला हुआ था, ये आदेश हुआ था कि अब प्रीपेड मीटर लगेंगे, उस वक्त भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बकायदा एक रियलिटी चेक किया था, उस वक्त भी ये दिखाया था कैसे जो MLA हैं वो अपने घरों में लाइट जला के छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो बिजली जो है कम खर्च की जाएगी जिससे बिजली की बचत हो सकेगी, दूसरी चीज समय पर बिजली का भुगतान किया हो सकेगा प्रीपेड मीटर के जरिए, जितना आपका आप जितना पैसा डलवाएंगे उतना ही आप बिजली प्रयोग में ला सकेंगे। तो ये जो तमाम जो कवायद है इसको एक अच्छे पॉजिटिव में भी देखा जा सकता है और फिलहाल ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। लखनऊ में श्रीकांत शर्मा ने अपने घर से इसकी शुरुआत की है, प्रीपेड मीटर लगाया है और ये कहा जा सकता है कि इस प्रीपेड मीटर के जरिए एक मैसेज दिया गया है उन तमाम ऐसे अधिकारी, ऐसे मंत्री, ऐसे विधायक, ऐसे MLCOं को जो समय पर अपना भुगतान नहीं करते हैं बिजली का, हालांकि उनका एक जो रसूख होता है जिसकी वजह से उनकी बिजली नहीं काटी जाती है, तो इन सब चीजों से निजात मिलेगी और जो दबाव है वो फिलहाल थोड़ा सा कम होगा ऊर्जा विभाग का भी। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि और आसपास की तस्वीरें विशाल हमें दिखाएं, चूंकि वहां पर खुद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद हैं, तस्वीरें देखना चाहेंगे वहां पर और कितने बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। संदेश तो जाहिर है तस्वीरों से साफ बढ़ा जाएगा, पहल की गई है खुद श्रीकांत शर्मा की ओर से अपने आवास पर, वो उनकी ओर से प्रीपेड मीटर लगवाया गया है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, चूंकि सराहनीय पहल, ये अच्छा कदम सरकार की ओर से, ऊर्जा मंत्री की ओर से, और शुरुआत इसकी आज से हो गई है और खुद से ही शुरुआत श्रीकांत शर्मा की ओर से की गई है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, विशाल जरूरत कितनी ज्यादा थी, इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, आप खुद गए थे एक सरकारी आवास पर, आपने तस्वीरें वहां से दिखाई थी दर्शकों को कि जब आवास में, सरकारी आवासों में लोग मौजूद नहीं होते, दफ्तरों में मौजूद नहीं होते, उस वक्त भी बिजली जली छोड़ देते थे चूंकि बिल नहीं देना होता था, तो इस तरह की पहल की आवश्यकता कितनी थी। देखिए इस तरह के आदेश की आवश्यकता इसलिए भी थी, इस तरह की पहल की आवश्यकता इसलिए भी थी कि लोग लाइट जला के चले जाते थे। अक्सर क्या होता था कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो महीनों महीनों अपने क्षेत्र में रहते थे, जो उनके सरकारी आवास जो आवंटित होते थे उसमें वो लाइट जला के चले जाते थे, नौकर लापरवाह होते थे और यही वजह थी कि एक तो लाइट जलाने की वजह से बिजली की जो कमी है वो देखने को मिलती थी और दूसरी तरफ जब लाखों रुपये का बकाया बिल हो जाता था उसको फिर मैनेज करके बिल को कम कराने की कोशिश की जाती थी। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि इन सब चीजों से निजात पाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है और एक अच्छी पहल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। मैं फिलहाल इस वक्त श्रीकांत शर्मा घर पर खड़ा हूं, अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि एक तस्वीर, चूंकि यहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है अधिकारियों की, मंत्रियों की, चूंकि यह पहला अवसर है कि प्रीपेड मीटर लगाया गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक तस्वीर आपको दिखाएं कि प्रीपेड जो मीटर लगाया गया है श्रीकांत शर्मा घर पर, आप देख सकते हैं कि इनको प्रीपेड मीटर बाहर लगाया गया है और पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कवायद है और इस कवायद को कहीं ना कहीं से इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ये जो पहल है इससे आने वाले दिनों में एक अच्छा मैसेज उन मंत्रियों पर जाएगा, उन विधायकों पर जाएगा, उन MLCOं पर जाएगा जो अपने घरों की बिजली जो है प्रयोग करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि बिजली जो है वो बचाया जा सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि
जो पूरी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं साफ हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि अभी जो श्रीकांत शर्मा के घर पर जो बिजली है वो लगाई गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक अच्छी पहल है। और इस पहल को जो है कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से इस पहल के जरिए एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। और अभी हम कुछ देर के बाद श्रीकांत शर्मा से बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने मीटर लगाया, तमाम अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ है कि इससे कहीं ना कहीं से जो मंत्री, विधायक, अधिकारी जो अपने आवासों में लाइट जला के चले जाते हैं और महीनों वो लाइट जलती रहती है, उस पर कहीं ना कहीं से लगाम लगेगी और जो बकाया बिल का जो भुगतान जो नहीं हो पाता है उस समस्या से भी निजात मिलेगी। बिल्कुल, चूंकि देखिए करोड़ों रुपए का बकाया है और अब उम्मीद यही कि अब प्रीपेड मीटर की शुरुआत चूंकि आज से हो चुकी है, खुद श्रीकांत शर्मा की आवाज से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो आगे एक पॉजिटिव रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे। आपका शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।